नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और सूर्य के राशि परिवर्तन के इस एपिसोड में। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है तो जातक के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता और सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद की प्राप्ति करवाने वाला इसका कारक माना गया है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है और वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट, पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा या फिर आंखों में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहती है। 12 में से एक राशि सिंह राशि का स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है। वहीं सूर्यदेव कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा इन तीन नक्षत्रों के स्वामी भी है। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च जबकि तुला में नीच राशि के माने जाते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति सूर्य के मित्र माने जाते हैं तो बुध ग्रह सूर्य के लिए सम है तथा शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु माने जाते हैं। अब बात करते हैं इस विशेष गोचर की कि सूर्य मीन राशि में आने वाला है, इसे मीन की संक्रांति कहा जाता है। सूर्यदेव का जब जब भी बृहस्पति की राशि धनु या मीन में गोचरवश भ्रमण होता है तब वह मलमास या खरमास कहलाता है। इस माह में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। मीन संक्रांति को हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है। इस संबंध में मान्यता यह है कि इस दौरान सूर्य गुरु ग्रह की सेवा में रहते हैं, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन इस काल में भक्ति, साधना और उत्सवों का क्रम निरंतर जारी रहता है। तो खर मास में नामकरण, विद्या आरंभ, कान का छेदन अर्थात कर्ण छेदन, अन्न प्राशन का मुहूर्त, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश या वास्तु पूजन, यह सब मांगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है और पंचांग में मुहूर्त भी नहीं दिए जाते हैं। संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन लोग जरूरतमंदों को खान पान की वस्तुओं का दान करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना भी करना उत्तम माना गया है, शुभ माना गया है। समस्त संसार को उत्तम आरोग्य और जीवन प्रदान करने वाले सूर्यदेव 14 मार्च को बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक जल तत्व और द्वि स्वभाव राशि है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रदान ग्रह सूर्य का प्रवेश जल तत्व प्रदान राशि में होने वाला है। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में। सूर्य आपकी राशि से पंचम भाव के अधिपति होते हैं और आपकी राशि से पंचमें सूर्य राशि से 12वें भाव में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। द्वादश भाव खर्च का, नाश का, विदेश यात्राओं का, अपमान अपयश का माना जाता है, विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान इस सूर्य के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करनी है। आपके अपने कार्य में, आपके अपने कार्य व्यवसाय में अधिक व्यस्तता भी आपकी परिवार से दूरी का कारण बन सकती है। इस गोचर के दौरान आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसका परिणाम आपके मान सम्मान की हानि या अपमान के रूप में, बदनामी के रूप में सामने आए। आपको अपने विरोधियों से भी सावधान रहना है और आपको अपने मित्रों से भी सावधान रहना है जो आपसे उधार की डिमांड करते रहते हैं, उधार मांगते रहते हैं। उन्हें भी अपना पैसा उधार देने से आपको बचना है। यदि अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई मनमुटाव चल रहा हो तो उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करें, तुरंत दूर करने की चेष्टा करें और बात को अधिक ना बढ़ाएं। इस अवधि में आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है, खर्चे बेतहाशा बढ़ सकते हैं, जिस पर अंकुश करना, जिस पर संतुलन बिठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है, मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, आप टेंशन में आकर के फिर और ज़्यादा एक्सपेंसेस को और खर्च कर सकते हैं अर्थात मेंटेन नहीं कर पाएंगे। MNC में जो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं, उनको जरूर इस समय काल में अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस गोचर का सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव आपको विदेश जाने का मौका दिलवा सकता है। यदि आप इस सिलसिले में पहले से प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है।
लेकिन यात्रा के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह मैं दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आइए अब बात करते हैं सूर्य दोष निवारण की, कि जिन जिन राशि को सूर्य नेगेटिव फल देगा, नकारात्मक फल देगा, वे लोग सूर्य के दोष निवारण के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि के हैं, नेगेटिव सूर्य की दशा चल रही है, या आपकी कुंडली में सूर्य की पोजिशन वीक है, उस कारण आपके पिता पुत्र में मतभेद रहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट सेक्टर से निरंतर आपको परेशानी रहती है और आत्मविश्वास की कमी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, द्वादश आदित्य कवच धारण करके इसका शुभ फल प्राप्त कर सकता है। सूर्य यंत्र के साथ में माणिक्य जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं और या फिर नवग्रह यंत्र की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। चाहे कोई भी गोचर हो, आप नवग्रह यंत्र की पूजा करके, नवग्रहों की एक साथ में पूजा करके सभी ग्रहों की शांति का उपाय कर सकते हैं। सूर्य ग्रह पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहाँ आप सोते हैं वहाँ साइड में रख देना या उस रूम में रखना है। यह जो पिरामिड है कॉस्मिक एनर्जी की तरह आपके साथ में इम्प्रूवमेंट देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा और जो भी ग्रहों का सबसे पहला प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, उसके बाद में शरीर पर पड़ता है, तो उस स्थिति को नियंत्रित कर लेगा। अर्थात वो जो नेगेटिव प्रभाव है, कुप्रभाव है आपके ऊपर, वह दुष्प्रभाव काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइंड बॉडी और सोल अर्थात आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, ये तीनों पर नियंत्रण पिरामिड के द्वारा हो सकता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप एक मुखी या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष को अपनाना चाहते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करके अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, वो एक मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या श्रीराम की पूजा उपासना करें। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री राम का मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र या ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। नित्य सूर्य को अर्घ दें, गुड़हल के पुष्प सूर्य को अर्पित जरूर करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का हर रोज मंत्र जाप करना शुभ रहता है। हर रविवार गेहूं, गुड़ या तांबा का दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ आप पानी पी सकते हैं और घर में एक तांबे का बना हुआ सूर्य का चिन्ह ऐसे स्थान पर लगाएं जहां सबसे ज़्यादा आप बैठते हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, लॉबी हो सकती है, पूजा स्थान हो सकता है, वो आप निश्चित करिए कि जहां पर सबसे ज़्यादा समय आपका गुजरता है उस स्थान पर आप ये सूर्य का चिन्ह लगाएं। तो ये था विश्लेषण आपकी अपनी राशि के अनुसार। यदि यह राशिफल आपके लिए शुभ है तो आपको एक्स्ट्रा कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, अर्थात इस समय का फायदा उठाना भी आपके हाथ में है, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे ढंग से कर्म करके इस राशिफल का फायदा उठा सकते हैं। अर्थात सूर्य का जो गोचर आपके लिए अच्छा है, आप उसको और अच्छा बना सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। और यदि यह राशिफल सूर्य का गोचर आपके लिए प्रतिकूल है तो आप सावधान रह सकते हैं। सावधान रहना भी एक प्रकार का कर्म है। उपाय करना चाहते हैं, उपाय भी एक प्रकार का कर्म है, वो करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य की प्रतिकूलता में कमी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको परामर्श देना है, आगाह करना है आने वाले समय के संदर्भ में, आने वाले भविष्य के संदर्भ में, यह मैं आपको अच्छे ढंग से बताना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, यदि आप ये गोचर के बारे में नहीं जान करके दशाओं के बारे में या और आगे जानना चाहते हैं, भविष्य के गर्त में छलांग लगाना चाहते हैं कि आगे आने वाले 2 साल में, 1 साल में, 5 साल के बाद में आपकी स्थिति क्या होने वाली है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में ही विश्लेषण करवाना पड़ेगा। और ये जो राशिफल है, यह राशिफल सिर्फ और सिर्फ एक गिनने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में जो आपके ऊपर प्रभाव डालता है वो आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रहों की स्थिति मिलकर के प्रभाव डालती है। उसमें नवांश कुंडली भी होगी, सप्तमांश कुंडली भी होगी, त्रिशांश कुंडली भी होगी, आपकी दशाएं भी होगी और हर ग्रह की अपनी अपनी डिग्रियों के अनुसार वो कहां पर स्थित है उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी अवस्था पर भी डिपेंड करेगा। तो यदि आप अपने भविष्य के बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, विश्लेषण चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं या जो आपके प्रश्न हैं उनका जवाब जानना चाहते हैं, तो फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, ठीक, चाहे जिस शहर में मैं आता हूँ, जिस देश में मैं आता हूँ वहाँ पर, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। तो आप
जो प्रोसीजर फॉलो करना है उसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए रहते हैं जोधपुर हेड ऑफिस के, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फिर चाहे फोन पर हो या आमने सामने हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली के बारे में जो भी आपके प्रश्न होंगे उनके बारे में विश्लेषण करके फिर आपके भविष्य की क्या झांकी होने वाली है उसके बारे में आपको बताया जा सकता है। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।